हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र मुजिद्रा आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल गुजराती चेस जोन में। मेरे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि पीसेस कैसे चलते हैं, पीसेस की वैल्यूज क्या है, बोर्ड कैसे सेटअप करते हैं। आज हम देखने वाले हैं ये दो स्पेशल मूव जिसका नाम है कैसलिंग और एनपास। तो कैसलिंग किंग की स्पेशल मूव है और एनपास पॉन के लिए स्पेशल मूव है। पॉन की स्पेशल मूव एनपास। कई लोगों को एनपास के बारे में पता नहीं होता है, कैसलिंग तो कई लोग जानते भी है, लेकिन एनपास स्पेशल मूव है जो पॉन की कैसे डिफरेंट टाइप की कैप्चरिंग की मूव है। तो हम दोनों मूव के बारे में आज सारे रूल्स सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कैसलिंग से। तो कैसलिंग दो पीस के बीच में होता है। पूरी गेम में आप एक बार कैसलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले कैसलिंग किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो कैसलिंग आपके किंग की सेफ्टी के लिए किया जाता है। कैसलिंग करना कंपलसरी नहीं है दोस्तों, लेकिन कैसलिंग करने के बाद आपका किंग इस प्रकार सेफ हो जाता है कि जल्दी कोई अटैक नहीं कर सकता सामने वाला। कैसलिंग किंग और रुक के बीच में होने वाली मूव है, जहां पे किंग को दो स्टेप चलना है और रुक उसे जंप करके अपोजिट साइड रखना है, उसे बोलते हैं कैसलिंग। तो कैसलिंग करते टाइम सबसे पहले खास ध्यान रखना है कि आपको पहले किंग को टच करना होता है। अगर रुक को टच कर दिया तो आप कैसलिंग नहीं कर पाओगे, आपको रुक चलाना कंपलसरी हो जाएगा। और कैसलिंग का दो टाइप के होते हैं, एक तो लॉन्ग कैसलिंग और दूसरा शॉर्ट कैसलिंग। लॉन्ग कैसलिंग में किंग और रुक के बीच में 3 स्क्वायर का डिस्टेंस होता है। यहाँ पे देखिए, इस साइड 3 स्क्वायर के डिस्टेंस है। अगर हम इस साइड कैसलिंग करेंगे तो इसे कहा जाएगा लॉन्ग कैसलिंग, उसका दूसरा नाम है क्वीन साइड कैसलिंग। और अगर हम इस साइड कैसलिंग करेंगे तो इसका दूसरा नाम है किंग साइड कैसलिंग और शॉर्ट कैसलिंग। तो इस प्रकार होता है कैसलिंग। कैसलिंग कैसे किया जाता है पहले ये देखते हैं। कैसलिंग करते टाइम आपको पहले किंग को उठाना है और दो स्टेप चलना है किसी भी साइड, और रुक उसे जंप करके अपोजिट साइड रख देना है। अब लॉन्ग कैसलिंग में भी आपको खास ध्यान रखना है, भले ही बीच में 3 स्क्वायर है लेकिन किंग सिर्फ 2 स्टेप चलना है और रुक उसे जंप करके अपोजिट साइड आएगा। तो ये दोनों टाइप का कैसलिंग है, इसमें से कोई भी एक बार आप कैसलिंग कर सकते हो पूरी गेम में। अब कैसलिंग कब कब नहीं कर सकते हैं, उसके लिए 4 रूल है दोस्तों, टोटल 4 रूल्स। तो चारों रूल हम देखते हैं। तो रूल नंबर 1, किंग के ऊपर कोई भी पीस का अटैक नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने अटैक किया है तो उसी समय आप कैसलिंग नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्लैक ने बिशप से किंग पे अटैक किया है। इन दिस पोजिशन बिशप अभी किंग पे अटैक कर रहा है, मतलब किंग को मार रहा है, तो ये सिचुएशन में आप कैसलिंग नहीं कर सकते। रूल नंबर 2, किंग और रूक के बीच में कोई भी पीस नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस साइड हम देखते हैं तो नाइट है बीच में, तो अभी हम इस साइड कैसलिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम चाहें तो शॉर्ट कैसलिंग अभी कर सकते हैं क्योंकि बीच में कोई भी पीस नहीं है। तीसरा रूल नंबर, लैंडिंग स्क्वायर और पासिंग स्क्वायर में कोई भी पीस का अटैक नहीं होना चाहिए। लैंडिंग स्क्वायर मतलब जहाँ पे हमारा कैसलिंग होने के बाद किंग पहुँचता है, वहाँ किसी भी पीस का अटैक नहीं होना चाहिए। पासिंग स्क्वायर मतलब जिस स्क्वायर से हम पास हो रहे हैं, जहाँ से कैसलिंग करते टाइम हम चला रहे हैं किंग, वो स्क्वायर में भी अटैक नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, जहाँ जहाँ किंग 2 स्टेप चलता है वो दोनों स्क्वायर में कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए। और रूल नंबर 4, किंग और रूक दोनों में से कोई भी पीस मूव नहीं होना चाहिए। पहले से अगर चला दिया है तो आप कैसलिंग कभी नहीं कर सकते। अगर किंग को हिला दिया है एक बार अपनी जगह से, उसके बाद आपका कैसलिंग का चांस चला गया। अब देखते हैं हम चारों रूल स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि यहाँ पे पहला रूल टैग अटैक है, किंग पे अटैक है, तो इस पोजीशन में हम कैसलिंग नहीं कर सकते। रूल नंबर 2, जैसे कि यहाँ पे पासिंग स्क्वायर में बिशप का अटैक है, तो अभी हम इस साइड कैसलिंग नहीं कर सकते क्योंकि कैसलिंग करने के बाद जहाँ किंग लैंड हो रहा है वहाँ पे अटैक है, इस साइड हम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी अटैक नहीं। रूल नंबर 3, तो दोनों के बीच में कोई भी पीस नहीं होना चाहिए। इन दिस पोजिशन नाइट यहाँ पे पड़ा है दोनों के बीच में, तो हम इस साइड कैसलिंग नहीं कर सकते, हम इस साइड कर सकते हैं।
और रूल नंबर 4, दोनों में से कोई भी पीस अगर हिला दिया है, रुक या किंग चला दिया है, तो आप कैसलिंग नहीं कर सकते हो। जिस साइड का रुक आपने नहीं चलाया है उस साइड आप कैसलिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये 4 रूल है और आप आसानी से ये रूल समझ गए होंगे। हम जब गेम खेलते हैं तो शुरुआत में हम पीसेस डेवलप करते हैं, जैसे कि सामने वाला पॉन चलाता है, फिर हम नाइट निकालते हैं, फिर वो भी पीस चलाता है, उसके बाद हम बिशप निकालते हैं, ताकि किंग साइड का सारा जो स्क्वायर है सारा एरिया खाली हो जाएगा, उसके बाद हम आराम से कैसलिंग कर सकते हैं। तो अब हमें करना है कैसलिंग, दो स्टेप किंग और रूक इधर आ गया, तो ये पोजीशन में किंग हमारा एकदम सेफ हो जाता है, जिसपे जल्दी कोई अटैक नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप गेम अच्छी तरह खेल सकते हो। अब देखते हैं एंड पास का रूल। दोस्तों एंड पास पॉन की स्पेशल मूव है। मैंने लास्ट टाइम सभी पीसेस के मूव दिखाए थे जिसमें पॉन स्लांटिंग में ऐसे वन स्टेप मारता है, लेकिन एंड पास एक ऐसी मूव है कि जहाँ पे साइड में सामने वाला अगर दो स्टेप चलाता है तो पॉन उसे मार सकता है। कई लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको एंड पास कैसे होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे दो स्टेप चलते हैं, सामने वाला एक स्टेप चलता है, अगर अब हम एक स्टेप चलाते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वाइट को अगर एंड पास करना है तो वाइट का पॉन फिफ्थ लाइन में होना चाहिए, फिफ्थ रैंक पे, यहाँ पे नंबर लिखा है फिफ्थ, तो आपका पॉन फिफ्थ पे होना चाहिए, और उसके बाजू वाली फाइल में जैसे कि इस साइड या इस साइड, साइड वाला कोई भी पॉन दो स्टेप चल के आपको बिना चैलेंज किए आगे आ जाता है, आपके साइड में आ जाता है, एक्चुअली में उसे यहाँ पे चैलेंज करना चाहिए कि तुम हमें मारो तो हम उसे मारेंगे, लेकिन वो बिना चैलेंज किए अगर दो स्टेप करके आपके बाजू में आ जाता है तो आप उसे एंड पास से ऐसे मार सकते हो। तो और इसे मारने के बाद स्लांटिंग में ही पॉन चलेगा, लेकिन उसका पॉन बाहर रख देना। ऐसे ही हम इस साइड भी एंड पास करके देखते हैं कि अगर ये पॉन दो स्टेप चलता है तो आप उसे भी ऐसे मार सकते हो। दोस्तों आपके पॉन के बाजू में उसका पॉन आना चाहिए, बाजू के स्क्वायर में ध्यान रखो, और हाँ खास करके दो स्टेप चला के बाजू में आना चाहिए। पहले से अगर एक स्टेप चला हुआ है, ये पोजीशन है, और यहाँ पे सामने वाला एक स्टेप चला के आगे आता है, तो इस पोजीशन में आप एंड पास नहीं कर सकते, क्योंकि उसने चैलेंज किया था और दूसरे मूव में वो स्टेप वो आगे बढ़ के साइड में आया है। तो ये एंड पास की स्पेशल मूव है, खास ध्यान रखो। हम फिर से दिखाते हैं, अगर इसने ये दो स्टेप चलाया तो आपको क्या करना है, पॉन स्लांट में जैसे हम रेगुलर मारते ऐसे ही रखना है और इसे हम साइड में रख देंगे। तो ये हो गया एंड पास। एंड पास आप पूरी गेम में सभी पॉन से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही बार करना है, आप कोई भी पॉन से एंड पास कर सकते हो, ये भी खास ध्यान रखना है। सिर्फ कैसलिंग आपको एक बार करने का चांस मिलता है, और कैसलिंग में अगर आपको कैसलिंग इन फ्यूचर करना है तो किंग को जब अटैक आता है तो खास ध्यान रखो कि बिना किंग हिलाए आपको किंग सेव करना है, ताकि आप अगले मूव में कैसलिंग कर सको। तो ये खास ध्यान रखना है कि किंग हिल नहीं जाए खास करके। अब देखिए एंड पास, एंड पास आपका एक और भी रूल है कि उसी मूव में आपको एंड पास करना है, और अगर एक मूव चली गई उसके बाद आप एंड पास करना चाहोगे तो एंड पास नहीं कर सकोगे। तो ये खास ध्यान रखो कि वेरी नेक्स्ट मूव में ही एंड पास होता है और उसके बाद एंड पास नहीं हो सकता, और एंड पास कंपलसरी नहीं है। आपको अगर इच्छा नहीं है एंड पास करने की तो आप मत कीजिए, कोई भी बात नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे मैं आपको पॉन कैप्चरिंग की पॉसिबल मूव दिखाता हूँ। दोस्तों ये सिचुएशन है, यहाँ पे ब्लैक ने दो स्टेप चलाया पॉन साइड में, अब हम व्हाइट की टोटल पॉसिबल मूव कितनी है आप बता सकते हो? ठीक है मैं बताता हूँ, 3 मूव है। व्हाइट अपने पॉन की 3 तरीके से चला सकता है, जैसे कि पहले तो मैं इसे एनपास से इसे मार दूंगा, तो ये पहली पॉसिबल मूव। अगर मुझे एनपास नहीं करना है, मैं इसे मारना चाहूं तो इसे भी मार सकता हूं, क्योंकि ये डायगोनल में नेचुरल मूव है पॉन की कि जो क्रॉस में मारता है, और तीसरा चांस है मैं पॉन को आगे भी बढ़ा सकता हूं। तो ये 3 पॉसिबल मूव है, इससे आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे सिचुएशन में आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, पॉन को आगे बढ़ाना है या एंड पास करना है या फिर उसे दूसरे पॉन को मारना है। तो समझ गए दोस्तों, ये कैसलिंग और एंड पास ये चेस के बेसिक रूल है,
और ये दोनों स्पेशल मूव है, पॉन की स्पेशल मूव है एन पास, और कैसलिंग है किंग की स्पेशल मूव। ये बिगिनर में आपको खास सीखना जरूरी है ताकि आप टूर्नामेंट में कोई भी इलीगल मूव नहीं करो। मेरे नए वीडियो के साथ आपको मैं मिलूंगा, इससे आगे स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे मित्रों, तो मेरे सारे वीडियो वन बाय वन आप देख के स्टेट लेवल की टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकोगे। और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं, अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छा परफॉर्म भी कर सकोगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।